जहां जहां मिलिट्री बिजनेस में है वो पब्लिक सेक्टर से पैसे जो है वो खींचती है, एंड दिस इज एक सर्टन क्रिमिनलिटी है इस इकोनॉमी में पाकिस्तान का देखने का हुआ, जहां मिलिट्री वैसे ही पॉलिटिक्स में है, तो वो मैंने देखना चाहा कि इकोनॉमी पे उसका क्या इम्पैक्ट है, पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट है, और ख़ुद प्रोफेशन मिलिट्री प्रोफेशन पे क्या इम्पैक्ट है फौज के बिजनेस में आने की वजह से। तो वो एक स्कॉलरली काम था जिससे नाराज़ हो गए आपके फौजी। इनका मसला ये नहीं कि इन्होंने अपनी बात नहीं की थी, इनका मसला एनालिसिस है। ये चाहते हैं कि आप जब ये बात बताएं तो आप मनो मन उसी तरह उसको पेश कर दें और उसी तरह बताएं कि वाह वाह जी ये तो देखें, ये तो डेवलपमेंट के लिए यूँ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। चीज़ें लोगों को दिखती थी लेकिन उसको इकट्ठा एक जगह करके और उसको एनालाइज ये पहली दफ़ा किसी ने किया था, जाहिर है कि इनको बुरा लगा। बहरिया प्रोजेक्ट जो है उस पर तो हम सुप्रीम कोर्ट ने पैसे भी लगा दिए कि जी सिंध से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है, बट कोई सवाल कर रहा है कि जो DHA को पैसे, जो DHA को ज़मीन जाती है किस रेट पे जाती है भुट्टो साहब से लेके, क्योंकि आपको फिर कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं, क्योंकि भुट्टो साहब को एक ऐसा मुल्क मिला था जिसमें फौज हार के आई थी, थकी हुई थी, सारे सिस्टम में एक शॉर्ट टर्म की ऐसा एक टीका लग जाता है और एक ऐसी इंस्टेबिलिटी है जिसे कोई निकल नहीं पाता। और रियासती इदारे अभी भी नेशनल सिक्योरिटी का चूर्ण बेच रहे हैं, क्योंकि जो May 9th का सारा चक्कर है उसमें यही बार बार कह रहे हैं कि जी देखिए न्यूक्लियर वेपन स्टेट, आपका वजीरे इत्तलात केयर टेकर। Where did you get this idea कि आप ये आपने जो किताबें लिखी ऑन मिलिट्री? देखें एक तो फौज को मिलिट्री को पढ़ने का शौक था बचपन से, शायद जो यू नो आई वाज अ बिट ऑफ अ टॉम बॉय, तो बजाय गुड़ियों शुड़ियों के खेलने के ट्रेनें और जहाज और इस किस्म की चीज़ें मेरे टॉयज थे। सो शौक हुआ, शायद बचपन में फिल्में भी देखी जंग पे, तो एक इंटरेस्ट था। फिर आगे वो मैच्योर हुआ इंटरेस्ट, वो ये हुआ कि अगर हम इंडिया से लड़ रहे हैं तो हम वेपन्स जो ख़रीदते हैं वो कैसे ख़रीदते हैं, मिलिट्री कैसे चलती है, तो मिलिट्री को एज अ सब्जेक्ट पढ़ने का शौक था। और अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, मेरी वालदा नॉवलिस्ट थी, लेकिन यह है उनका दिल था कि मैं फिक्शन राइटर बनूं, लेकिन यह है कि मेरा पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में शौक था। तो जब वो पढ़ा तो जाहिर है उसमें मिलिट्री का एक बड़ा रोल है, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा रोल है, और इस तरह ये इंटरेस्ट डेवलप किया। और फिर आगे जाके मैंने अपनी PhD जो थी वो वॉर स्टडीज़ में की किंग्स कॉलेज से, और वहाँ से मेरी पहली किताब जो थी जो आर्म्स प्रोक्योरमेंट डिसीजन मेकिंग पे वो निकली। फिर दूसरी किताब जो कि मैं इस सवाल के इस जवाब के तलाश में थी कि हम जो क्योंकि नेचुरली वो कन्वेंशनल वेपन्स पे थी, उसके बाद एक सवाल था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स जो बनाते हैं ये सारा प्रोग्राम जो है उसके पैसे कहाँ से आते हैं, तो वो उसकी तलाश में करते करते वो तो सवाल पीछे छूट गया, लेकिन वो देखा कि ये जो मिलिट्री कॉपरेशंस है और ये जो मिलिट्री इकोनॉमी है उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि दुनिया में बहुत जगहों पे मिलिट्री बिजनेस होता है, अमेरिका में भी होता है, बरतानिया में भी होता है, जर्मनी में भी होता है, इसराइल में भी होता है, टर्की, पाकिस्तान, चाइना, थाईलैंड, बहुत सारे ममालिक हैं, इंडोनेशिया, चाइना, लेकिन ये सब मुख्तलिफ है एक दूसरे से। अंडरलाइंग चीज़ एक है और वो ये है कि जहाँ जहाँ मिलिट्री बिजनेस में है वो पब्लिक सेक्टर से पैसे जो है वो खींचती है, एंड मेरा कंक्लूजन ये था कि इन सारों के अंदर एक अंडरलाइंग जो चीज़ है वो ये है कि दिस इज़ एक सर्टन क्रिमिनलिटी है इस इकोनॉमी में। फिर मैंने देखना शुरू किया कि हर सिविल मिलिट्री रिलेशंस का मॉडल वो इम्पैक्ट करता है कि कितनी
जो फौज है वो इकोनॉमी के अंदर से एक्सट्रैक्ट करती है नेशनल रिसोर्सेज. सो अमेरिका में देखें तो वो मेनली प्राइवेट सेक्टर में है, वो प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप के साथ है, वो प्राइवेट सिक्योरिटी में करती है, ब्लैक वाटर वगैरह वगैरह ये सारे. और उसमें प्रॉब्लम वहाँ जैसे अमेरिका में ये आता है कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, फौज रिक्रूट को रिक्रूट करती है, फौजियों को उनको ट्रेन करती है, और उसके बाद वो इस्तीफा दे के चले जाते हैं और वही काम फिर प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ता है 3 times 4 times मोर द मनी. सो वहाँ भी एक्सट्रैक्शन है, लेकिन वो एक्सट्रैक्शन कम है क्योंकि वहाँ सिविल जो है वो मिलिट्री पे हावी है. पाकिस्तान का देखने का हुआ, जहाँ मिलिट्री वैसे ही पॉलिटिक्स में है, तो वो मैंने देखना चाहा कि इकोनॉमी पे उसका क्या इम्पैक्ट है, पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट है, और ख़ुद प्रोफेशन मिलिट्री प्रोफेशन पे क्या इम्पैक्ट है फौज के बिजनेस में आने की वजह से. तो वो एक स्कॉलरली काम था जिससे नाराज हो गए आपके फौजी. अच्छा मैम, व्हाइल यू वर डूइंग ऑल दिस रिसर्च, तो व्हाट वर द मेन सोर्सेज दैट यू कंसल्टेड एट दैट टाइम, इंटरव्यूज किस तरह के लोगों के लिए व्हाइल राइटिंग योर बुक्स? देखें जी, सबके कि मैं तमाम जो उस वक्त हाजिर सर्विस भी जनरल थे, जो रिटायर्ड थे, जो के हेड कर रहे थे इन फौजी फाउंडेशन को, जैसे जनरल मोहम्मद अमजद फौजी फाउंडेशन को हेड कर रहे थे, इन सब फाउंडेशंस के हेड को मेरा जो सारा डेटा है वो सब अवेलेबल डेटा है. देखें जब वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, क्योंकि मेरी पहली जो किताब थी जो कि आर्म्स प्रोक्योरमेंट पे थी, क्योंकि ये वेपन्स के खरीद फरोख बनाना, तो उसमें भी 250 मैंने इंटरव्यूज किए थे, इसमें भी 200-250 इंटरव्यूज थे. देखें जब ये बताते हैं तो बड़े खुश होके बताते हैं, क्योंकि अपनी बात बता रहे होते हैं. इनका मसला ये नहीं कि इन्होंने अपनी बात नहीं की थी, इनका मसला एनालिसिस से है. ये चाहते हैं कि आप जब ये बात बताएं तो आप मनोअन उसी तरह उसको पेश कर दें और उसी तरह बताएं कि वाह वाह जी, ये तो देखें, ये तो डेवलपमेंट के लिए यूं कर रहे हैं वो कर रहे हैं. और मेरा एज रिसर्चर, एज एन एनालिस्ट, मेरा जो काम था एज एन एकेडेमिक, वो ये था कि मैं देखूं कि इसका उसके स्याहो सबाक में देखूं. तो इनका जो व्यू था वो भी, मतलब जैसे जनरल मोहम्मद अमजद ने कहा कि जनाब देखें, हम क्यों बिजनेस में नहीं आ सकते, मतलब कि दुनिया के फौजी जो हैं, उन्होंने फ्रांस के फौजियों का जिक्र किया, अमेरिका के फौजियों का, कि देखें फौजियों ने मुल्क चलाए हुए हैं तो हम क्यों नहीं चला सकते. तो इनकी अपनी जो एरोगेंस थी कि जनाब हम बिल्कुल कर सकते हैं, ना ही अपनी, इनके अंदर जो है कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस. फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी था, 2 साल तकरीबन मैंने नेवी के साथ काम किया, वहाँ देख जाके देखा कि और ये इनके आर्म्स प्रोक्योरमेंट में भी है बाय द वे, कि जब ये कॉस्टिंग करते हैं, मसलन बहरिया बेकरी जो है, मिसाल ले लो, 15 रुपये की ज़माने में ये डब रोटी ब्रेड भेजा करते थे, तो कहते देखें जी हम तो कितनी चीप बनाते हैं. ISPR इश्तिहार देता था, वो कहते जी देखें ये हम प्राइवेट सेक्टर के थ्रू नहीं जाते, इसलिए कि देखें हम तो बड़ा सस्ता काम करते हैं, ये बाकी तो प्रॉफिट मेकिंग करते हैं ये बिजनेसमैन जो है. अच्छा अब ये नहीं करते कि इसमें जो ये डायरेक्ट ये जो लेबर कॉस्ट, ये सिर्फ रॉ मटेरियल, जो मटेरियल कॉस्ट है डायरेक्ट वो लगाते हैं, जो यूटिलिटी के बिल हैं, मतलब कि आप अगर बेकरी में बेच रहे हैं
सस्ती ब्रेड, तो ना आपने उसके बिल उसमें लगाए हैं, ना आपने जो बंदा वहां काम कर रहा है उसकी तनख्वाह लगाई है, क्योंकि वो तो आ रही है ऑलरेडी. सो ये कॉस्ट ये फैक्टर इन करते ही नहीं है. हथियारों के बनाने के मामले में भी यही है, क्योंकि इनकी बुक कीपिंग भी मुख्तलिफ है. मतलब ये कि मिसाल देती हूँ कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को डायरेक्ट पैसा यूं नहीं मिलता, ना कि उसने पाकिस्तान आर्मी को बेचना है, पाकिस्तान नेवी को, पाकिस्तान एयरफोर्स को. सो वो बुक एडजस्टमेंट्स होती हैं, क्योंकि दोनों के पैसे एक ही हेड से आ रहे हैं, डिफेंस बजट से. सो इनकी कॉस्टिंग के बहुत सारे इश्यूज थे. सो मैंने रियलाइज किया कि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, ये इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि चलाई जा रही हैं वेलफेयर के नाम पे. फिर जब देखना शुरू किया तो अंदाज़ा हुआ कि ये जो मिलिट्री बिजनेस है, मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड जो है, वो कितनी बड़ी है, उसके कई लेवल्स हैं. क्योंकि FWO है, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल लॉजिस्टिक सेल, SCO, फिर स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिर ये तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है. सो मैंने देखा कि पाकिस्तान का पैटर्न बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये एक वक्त में इंडोनेशियन चाइनीज मॉडल भी है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, और फिर एक टर्किश मॉडल का भी इसमें नज़र आया, जिसमें टर्की की तरह ये पेंशन फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, बैंक है इनका अस्करी बैंक. सो बहुत ज़रूरी था कि देखा जाए कि ये क्यों हो रहा है, इसके और इसके असरात जो हैं वो क्या हैं. तो मैम, वाई यू द फर्स्ट वन जो कि ये सारी इंफॉर्मेशन रिवील कर रही थी इन योर बुक, तो उनको ये चीज़ बुरी लगी, क्या ये वाजंट दैट अ नोन फैक्ट पहले से? देखिए, हर कोई जानता है. मतलब कि आप किसी भी एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट से आप जरा चले ना शहर की तरफ, दोनों साइडों पे सारी प्रॉपर्टी, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, सब जगह जहां जहां कैंट है, ये आपको हर शहर में ही नजर आएगा. चीजें लोगों को दिखती थी, लेकिन उसको इकट्ठा एक जगह करके और उसको एनालाइज ये पहली दफा किसी ने किया था. जाहिर है कि इनको बुरा लगा, क्योंकि ये जो इमेज अपना क्रिएट कर रहे हैं वो तो यही है ना, कि ये एक ऐसा इदारा है जो कि लोगों की बेहतरी के लिए काम करता है, और यही है जो कि बेहतरी का काम करता है, बाकी सब फारिग है. मैं अभी आप मतलब यू कांट कम टू पाकिस्तान. देखें जी, इतला मिली थी जान को खतरा है, और बात यह है कि क्यों नहीं आ सकती जी, बिल्कुल आ सकती हूँ, अगर खामोशी हो, सौदाबाजी हो जाए. जिन लोगों ने सौदाबाजी की वो आ भी रहे हैं, वो वापस, जिनके बारे में बहुत प्रोपेगेंडा हुआ था वो दोबारा से अखबारों में भी लिखना शुरू हो गए हैं. लेकिन मुझे मैं तो समझती हूँ बड़े बहादुर आदमी हैं कि मुझे बुलाया है. जो सो कॉल्ड हमारे इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं, अब तो उन्होंने भी लेना बंद कर दिया. So how it affected your social life, आपकी personal life को? बात यह है जी कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को ये नहीं पता कि हर कोई पाकिस्तान से भागना नहीं चाहता. मेरी फैमिली है, मेरा घर बार है, मेरा जमीन जायदाद है पाकिस्तान से, मैं बड़ी जुड़ी हुई हूँ, और मैंने इतने सालों में मोर देन 50 years ऑफ माई लाइफ बाहर पढ़ी हूँ, फिर वापस आ गई हूँ. कभी मैंने ऑप्ट नहीं किया था मुल्क से बाहर रहना, ना कि फेलोशिप हुए, पढ़ाई हुई, गए, वापस आ गए. मेरा बेस पाकिस्तान था, मेरा पासपोर्ट पाकिस्तानी था, कोई और नहीं था. हर कोई डेस्परेट नहीं होता मुल्क से जाने के लिए. तो और मेरा ताल्लुक एक ऐसी क्लास, एक सोशो इकोनॉमिक क्लास से है जिसको
पाकिस्तान में ज़्यादा जाहिर है आराम होता है, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आपको ये मसला नहीं है कि जी वीज़ा नहीं लगेगा, आप जा नहीं सकते, तो आराम से मुल्क में बैठी हुई थी ना। आपको एक ज़िंदगी दोबारा शुरू करनी पड़ती है बाहर जाके। हाँ, क्योंकि इस एज में जाना तो बड़ा मुश्किल भी होता है। अच्छा मैम, आपने एज यू सेड इट योरसेल्फ दैट अदर जो आर्मीज हैं, लाइक इंडोनेशियन आर्मी, टर्किश आर्मी या यूएस की है, दे डू देयर ओन बिजनेसेस इन वन वे आर अनदर, और कुछ डिफरेंट तरीके से कर रहे होते हैं। तो हाउ पाकिस्तान आर्मी इज डूइंग डिफरेंट देन द अदर्स? फैसल देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि अमेरिकी आर्मी जो करती है वो प्राइवेट सेक्टर करता है बेसिकली। सो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अब उसमें जो क्रिमिनेलिटी का एस्पेक्ट है वो ये है कि जाहिर है बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं जिनकी कंपनीज हैं वो भी बिजनेस में होते हैं, वो इन पार्टनरशिप करते हैं, रिटायर्ड फौजी मिल जाते हैं, तो वहाँ रिटायर्ड फौज और रिटायर्ड फौजी और उसमें जो पैसा जाता है वो यही होता है कि आपने लोगों को ट्रेन किया, बजाय मैं कि अगर एक फौजी 10 रुपए में एक चीज कर रहा है, तो जब आप वो काम प्राइवेट सेक्टर में करते हैं देते हैं, तो वही फौजी जिसको अब हायर किया हुआ है प्राइवेट सेक्टर ने, उसको आपसे 50 रुपए दे रहे हैं, कंपनी 100 रुपए उसी टास्क के लिए जो कि आप अदरवाइज 10 रुपए में कराएं, वो अब आप 100 रुपए दे रहे हैं, तो आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, पब्लिक सेक्टर से ज्यादा पैसा उस तरफ जा रहा है प्राइवेट सेक्टर की तरफ, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है अमेरिका में, बरतानिया में भी, इंग्लैंड में भी, जर्मनी वगैरह में। पाकिस्तान का मॉडल यूं फर्क है जी कि इसमें पब्लिक सेक्टर में आपने एक प्राइवेट सेक्टर की दुकान डाल दी है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आप डीसी साहब हैं, डीसी साहब सडनली किसी भी इलाके के अपने दफ्तर में दुकान खोलें, तो हमारे यहाँ ये हो रहा है, मतलब कि जो स्टेट की पावर है उसको इस्तेमाल करके कॉरपोरेट अपॉर्चुनिटीज जो है वो पैदा की जा रही हैं। सो अगर मसलन बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टर्स थे, ट्रांसपोर्ट कंपनी, प्राइवेट कंपनीज जो थी वो ख़त्म हो गई क्योंकि ये आ गए, घुस गए, सो प्राइवेट सेक्टर को भी नुकसान होता है इनकी वजह से। फिर आप ये देखें ना कंपटीशन कहाँ है, ना कि हमने बहरिया जो टाउन बहरिया प्रोजेक्ट जो है उस पे तो हम सुप्रीम कोर्ट ने पैसे भी लगा दिए कि जी सिंध से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है, बट कोई सवाल कर रहा है कि जो डीएचए को पैसे, जो डीएचए को जमीन जाती है किस रेट पे जाती है। सो फिर ये है कि अंदर बहुत गड़बड़ है, मतलब ये कि जो बॉर्डर एरियाज में है, में जमीनों की जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सो बहुत लेवल पे, मतलब कि इनकी कंपनियों का, मतलब कि जब ये जाते हैं तो कई दफा बिड भी नहीं होता, जो बिडिंग का प्रोसेस है वो भी नहीं होता, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है कि एनएलसी को, एनएलसी आपके सारे और एफडब्ल्यूओ आपके सारे मेन हाईवेज पे जो टोल प्लाजाज हैं उससे वो ले रहे हैं, और मज़े की बात ये है कि पुलिस को भी ये बैठने ही नहीं देखते एग्जामिन करने के लिए, मसलन के एक जेन्युइन सी चीज़ के भी कितना इनफ्लो आउटफ्लो ट्रैफिक का है, क्योंकि अगर पता चल जाए तो बात आगे फैले कि ये कितना पैसे जो है टोल प्लाजा से उठा रहे हैं। सो और टोल प्लाजा पे ये रेट्स जो हैं ये खुद बढ़ा देते हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अकाउंटेबिलिटी का जो है आंसर नहीं है, इनकी इंडस्ट्रीज में आंसर नहीं है अकाउंटेबिलिटी का, इनके फौजी फाउंडेशन, मैंने जिक्र किया है किताब में कि फौजी फाउंडेशन की जो सीमेंट प्लांट्स थे वो देवर ब्लीडिंग, वो फायदे में नुकसान में थे, वो तो फिर अल्लाह भला करे कि अफगानिस्तान की जंग शुरू हो गई जिसकी वजह से अफगानिस्तान की रीबिल्डिंग में इनको फिर फायदा हुआ। सो फर्टिलाइजर
में ये ऑलमोस्ट दे हैव ऑलमोस्ट क्लोज टू मोनोपोली सिचुएशन. सो जब स्टेट बैठ के कंपेटिटर बन जाए प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर पे ग्रो नहीं करता. अच्छा, फिर प्रोफेशनलिज्म पे, प्रोफेशनलिज्म पे भी फर्क पड़ता है ना. बिकॉज मैं एक फौजी हूँ, मैंने रिटायर होना है. जी मैं कह रहा हूँ कि कैसे प्रोफेशनलिज्म पे फर्क पड़ता है. देखिए, मैं एक फौजी हूँ, मैंने रिटायर होना है. रिटायर होने के बाद मुझे 3 साल की एक वो एक कुशन चाहिए कि भाई मुझे नौकरी मुझे मिल जाए. उसके लिए मैं चाहूंगी कि जो मेरा सीनियर है, जो मुझसे बड़ा अफसर है, उसकी गुड बुक्स में रहूं. गुड बुक्स जो है वो आपको प्रोफेशनल कॉम्प्रोमाइजेस फोर्स करता है. सो इसका इम्पैक्ट आपकी प्रोफेशन पे होता है. और चाइना ने 1997 में डिसाइड किया कि ये तमाम जो कॉर्पोरेट इन्वॉल्वमेंट है फौज की वो बंद करेंगे, क्योंकि उनको लगा कि अगर उन्होंने कम्पीट करना है और एक प्रोफेशनल मिलिट्री प्रोड्यूस करनी है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये सारे कारोबार धंधे इस किस्म के काम करें. सो उन्होंने अपने आप को डीलिंक कर लिया. सो कहीं भी अगर आपको एक प्रोफेशनल फौज चाहिए तो आप ये काम बंद करेंगे. देखिए, ये एक इनडायरेक्ट सब्सिडी है. ये जिसे हम मिलिट्री बिजनेस कहते हैं, ये इनडायरेक्ट सब्सिडी है. तो इनडायरेक्ट सब्सिडी कहीं भी किसी भी इकोनॉमी में डायरेक्ट सब्सिडी से ज़्यादा महंगी पड़ती है. तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसकी बहुत सारी कॉस्ट हैं जो आप कैलकुलेट ही नहीं करते. लेकिन यही चीज़ें आपको, अगर आपका मसला क्या है, मसला ये है ना कि आपके यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ जॉब क्रिएशन की कमज़ोर हैं, आपका प्राइवेट सेक्टर कमज़ोर है. तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन कर दें, उसको आप मौके ये दें, आपके यहाँ जॉब्स ज़्यादा क्रिएट हों, तो ये लोग वहाँ भी जा सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं. In this way, you said के जो इंडियन आर्मी है, that is more professional than पाकिस्तानी आर्मी. उनकी प्रोफेशनलिज्म के अपने और मसाइल हैं, लेकिन ये है कि डेफिनेटली जो नेटो की डेफिनेशन है प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल आर्मी की, उसमें सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री एक प्रोमिनेंट चीज है. हमारे यहाँ उसके मसाइल हैं. इंडियन मिलिट्री के अपने मसले हैं, लेकिन उसमें इंस्टीट्यूशनल डिके जो है वो उसमें एक चीज़, एक फैक्टर जो है वो नहीं है. वहाँ उनके अपने मसाइल हैं, मतलब ये कि वहाँ उनकी ज़ाहिर है 7% ग्रोथ रेट है, एक इकोनॉमी में ऑप्शंस बहुत हैं. सो उनको, उनके यहाँ मसलन पायलट्स की कमी रहती है, उनके यहाँ ऑप्शंस हैं कि जो अच्छा प्रोडक्टिव सिटीजन है वो और प्रोफेशंस में जाता है. फिर यू नो ऊपर लीडरशिप पे, फिर वहाँ एक जिसे कहते हैं ना कि एक और किस्म का सिविलियन कंट्रोल है. वहाँ सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है वो ज़्यादा ताकतवर है उनके यहाँ. सो आर्म्स प्रोक्योरमेंट, यानी कि जो हथियारों की खरीद और फरोख्त है, उससे लेके जो डिफेंस को गाइड करना, उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी का भी उतना ही हाथ है. और मेरे ख्याल में ये हमारे यहाँ तो शुरू से ही गड़बड़ हो गई. अगर हमारे यहाँ सियासतदान एक पार्टनरशिप कर लेते सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ, और सिविल ब्यूरोक्रेसी भी कर लेती पॉलिटिशियन के साथ, तो फौज पीछे धकेली जा सकती थी. हमारे यहाँ ये नहीं हुआ. तो पहली पार्टनरशिप सिकंदर मिर्जा ने जो है वो जनरल अय्यूब के साथ कर ली, इस वजह से भी हो सकता है. देखिए, आप ये देखिए ना कि हमारे यहाँ तो रियासत थी ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटी. डॉक्टर वसीम जो है, हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वो कहते हैं कि ये ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटी है. आपके पहले जो 9 प्राइम मिनिस्टर थे, उनमें से 3 से 4 तो वैसे ही ब्यूरोक्रेट थे.
मसला ये है कि उस पार्टनरशिप में ये हुआ कि इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया, और फिर सिकंदर मिर्जा साहब जो आए, और वो एक्स फौजी भी थे, वो लेके आए अयूब खान को, और फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। जनरल अयूब आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी तो पॉलिटिशियंस ने स्पेस दी। पहले जो इलेक्शन हुए उसमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो हैं वो उन्होंने ये चीज़ कही कि ये इलेक्शंस रिग्ड थे, लेकिन बाद के अगर इलेक्शंस देखें तो आपस में कोई कंसेंसस पॉलिटिशियंस भी नहीं जनरेट कर सके कि वो पुश बैक कर सकें टू द मिलिट्री। दे हैव गिवन द स्पेस, खास तौर पर जनरल ज़िया के टाइम से देखें, एक तो वॉर्स थी जो कि ऑन आर बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ, तो उन वॉर्स ने भी मिलिटराइजेशन जो है उसके अलावा इस्लामाइजेशन को वहां पे भी सपोर्ट किया, और वो चीज़ वापस भी पाकिस्तान में भी आई, तो उस चीज़ की भी इम्प्लीकेशंस हमारे लिए रही। इस तरह तो हम कह सकते हैं कि जो एक हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस आज तक हम फेस कर रहे हैं, वन ऑफ द रीजंस के हमारी मिलिट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है देन द सिविलियन इंस्टीट्यूशंस। देखें जी, ये तो मुख्तलिफ बहाने बनते हैं ना, बट ये है कि आपने पहले दिन से जो स्टेट शेप की उसमें आपने जो आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी उसको आपने हमेशा पीछे रखने की कोशिश की, और जो कि ईस्ट पाकिस्तान में थी। एज ए रिजल्ट 71 में मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान वॉकड आउट ऑन पाकिस्तान। देखें बात ये है कि ये ज़िया से नहीं शुरू होता है, तो पहले से शुरू होता है। आपके ख्याल में भुट्टो साहब कहाँ से आए थे? भुट्टो साहब भी एक ज़माने में जो फातिमा मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ जो कैंपेन सियासतदान करते थे उसमें भुट्टो साहब भी तो शामिल थे ना। भुट्टो साहब भी प्रोडक्ट थे अयूब खान की कैबिनेट का। देखें जब एक इंस्टीट्यूशन बड़ी हो जाए वो सोर्स बन जाती है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पॉलिटिशियंस का कसूर नहीं, पॉलिटिशियंस का बिल्कुल कसूर है, लेकिन मसला ये है कि आपके यहाँ एक ऐसी पॉलिटी, एक ऐसी सियासी मंजरनामा है जिसमें कामयाब पॉलिटिशियन बगैर GHQ के जन्म ही नहीं लेता भुट्टो साहब। और ये नहीं कि इसमें लोग शामिल हैं, नहीं, लोग बिल्कुल शामिल नहीं, लोग डिजायर करते हैं कि सियासतदान हमें रिप्रेजेंट करे, लेकिन सियासतदान को नजर आता है कि जो सोर्स ऑफ पावर है वो तो पिंडी है, और इसलिए भुट्टो साहब से लेके, क्योंकि आपको फिर कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि भुट्टो साहब को एक ऐसा मुल्क मिला था जिसमें फौज हार के आई थी, थकी हुई थी, लेकिन फिर इन्होंने उनको रीबिल्ड किया, और फौज ने उन्हें रीबिल्ड करने दिया और उनको आने दिया। मुझे झगड़ा हुआ है 71 में, वो क्या था, क्या आप शेख मुजीब मार्च ऑफ 71 तक पल्टन मैदान ढाका में तकरीर की जिसमें मुक्तिवाणी के एक लड़के ने नारा लगाया जॉय बंगला, क्योंकि बांग्लादेश जिंदाबाद, उसने कहा नो जॉय पाकिस्तान। उसको नजर आ रहा था कि वो जितनी सपोर्ट बेस उसकी थी, जो वोट उसने लिए थे, वो प्राइम मिनिस्टर बनता पाकिस्तान का, आपने नहीं बनने दिया। भुट्टो साहब को लेके आए अपने प्रेफरेंस की कि कौन सा शतरंज का मोहरा आप इस्तेमाल करेंगे, फिर आपने उस शतरंज के मोरे को आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल किया, थकाया। इसी किताब में मैंने, जो मेरे दो कम अज़ कम चैप्टर हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे हैं, और मुझे याद है मैंने हफीज़ पीरज़ादा से इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि ये भुट्टो को इस्तेमाल कर रहे थे, भुट्टो को इन्होंने भुट्टो साहब को फोर्स किया कि शुरू में 71 जब जंग हार के आए तो एक दफ़ा टीवी पे कमेंट्री चली, और ये मरहूम खालिद हसन जो कि बड़े जर्नलिस्ट थे उनने कहा कि भुट्टो साहब पे प्रेशर आया कि जी ये आर्मी बदनाम होगी और लोगों के दरमियान
दिल खट्टे होंगे, तो ये इनकी पे कमेंट्री ना की जाए। तो हमने वो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होते देखी कि 71 में हुआ क्या था, क्योंकि होनी चाहिए थी। आगे बढ़े, भुट्टो साहब चले गए, उनको फांसी लगा दिया गया, ज़ियाउल हक आए, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो वापस आए। क्या किया? अब उसमें आप कहें बेनज़ीर भुट्टो का कसूर कहें, किसका कहें? इन्होंने 1990 में अपने इदारे इस्तेमाल किए, पॉलिटिशियंस को ख़रीदा, बीबी की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया। अब इसमें जो पॉलिटिशियन है वो ये देखता है कि भाई ज़मीन पे खड़े रहना है तो इनके साथ चलो या इनके साथ सौदा करो। शॉर्ट टर्म में तो ये आप देखें, आप अपनी सारे सिस्टम में एक शॉर्ट टर्म की ऐसा एक टीका लग जाता है और एक ऐसी इंस्टेबिलिटी है जिसे कोई निकल नहीं पाता। एंड बिल्कुल पॉलिटिशियंस का कसूर है। मैं समझती हूँ कि पॉलिटिशियंस का के दो कसूर हैं। एक तो जाहिर है ये पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम बहुत हमारा उसमें मसाइल है, लेकिन उसके अलावा आप ये देखें कि ये मिलिट्री को कंट्रोल करने की के लिए इकट्ठे होते ही नहीं है। 2006 में हुए, फिर क्या हुआ? एक सियासतदान मार दी गई, इतनी एक बड़ी सियासतदान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू। तो देखिए ये कि भाई नहीं उनका कसूर है उनका, ये जब एक सारा आपका स्ट्रक्चर ही ऐसा हो जाए क्योंकि अनस्टेबल हो तो, और दूध के धुले बिल्कुल पॉलिटिशियंस भी नहीं है। लेकिन और मैं समझती हूँ कि मेरा एक आर्ग्यूमेंट मेरी किताब में, दूसरी किताब मिलिट्री इंक में, फौजी कंपनी में, यही है कि सिविल मिलिट्री डिवाइड की जो हमारे यहाँ जो बहस है वो एक और तरीके से भी करनी चाहिए। ये सिविल वर्सेस मिलिट्री नहीं है प्योरली, ये सिविल जो मिलिट्री एक फ्रेटर्निटी है, ये कुंबा है, उसमें वो सिविलियन भी शामिल हैं जो इनकी इकोनॉमी और इनकी सियासी ताकत पे भरोसा करते हैं और उस पर डिपेंड करते हैं। तो आपने देखा ना कि भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान, तीन बड़े जो ईराज आए हैं वो सब इनके क्रिएटेड हैं। इन्होंने सोचा इमरान खान को लाके कि एक थर्ड पार्टी सिस्टम किया जाए ताकि टू पार्टी के फसाद से निकलें, फिर गले पड़ गया। सो यही प्रोड्यूस करते हैं। और फिर जो पॉलिटिशियन है वो उस इंस्टेबिलिटी में कभी ये सीख ही नहीं पाता कि इनको काउंटर करने का तरीका आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने से आएगा और इनको इनकी ताकत ख़त्म किए बगैर कहीं नहीं जा सकते आगे। वो हमेशा सर्वाइवल में ही रहते हैं, वो हमेशा सर्वाइवल में ही रहते हैं। हाँ, सर्वाइवल, जेन्युइन सर्वाइवल या सर्वाइवल का बहाना, दोनों केसेस में। लेकिन अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखें, आपने बात की, लेकिन ये वेलफेयर के लिए भी तो काम करते हैं, जैसा कि इनके अपने, अब इन्होंने अपनी आर्मी के अंदर जो रिटायर्ड लोग हैं या जो सर्विंग लोग हैं उनकी फैमिलीज, अपने आप को इन्होंने वेलफेयर तो प्रोवाइड करनी है। बट यू सेड के अल्टीमेटली जो फायदा है वो इसका टॉप जो कैडर है वो ले रहा होता है। सो आप इस क्लेम को कैसे जस्टिफाई? वेलफेयर आप करते हैं, लेकिन आप इस वक्त सबसे बड़ा बिल जो मिलिट्री 400-500 अरब रुपए आप मिलिट्री पेंशन्स पे हुकूमत पाकिस्तान यानी कि टैक्स पेयर दे रहा है, तो पेंशन तो जा रही है ना। आप पेंशन्स दें और वेलफेयर के, देखें उस वेलफेयर की कॉस्ट की कॉस्ट वैल्यूएशन भी होगी ना। आप उनके लिए अस्पताल बना रहे हैं, आप उनको फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन किस कीमत पे आप दे रहे हैं? आप बाकी सोसाइटी की कीमत पे तो ये नहीं दे सकते ना। और बात ये है कि फिर चलें जी अस्पताल बन गए,
स्कूल बन गए, वेरी नाइस। गोल्फ कोर्सेज हैं, ये DHAs हैं। अब हर अपना प्रोजेक्ट तो वेलफेयर के नाम पे जस्टिफाई ना करें ना, उसकी कीमत होती है जो कि फिर सोसाइटी को भी देनी पड़ती है। अच्छा, लैंड रिफॉर्म्स की आप बात करती हैं कि लैंड रिफॉर्म्स पहले 90s में, और 90s से पहले तो लैंड रिफॉर्म्स की बात होती थी, लेकिन आज ना आज किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में है ना कोई इस चीज की बात कर रहा है कि लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो ये तो फिर ये देख लें कि इलीट वर्सेस इलीट है, नॉट इलीट ही बात करती है अगर लैंड रिफॉर्म की तो करती है, और वही चुप हो जाते हैं तो वही हो जाते हैं। नीचे से क्यों कोई नहीं आवाज उठाता लैंड रिफॉर्म्स के लिए? देखें जी, लोग बात करते हैं, क्यों नहीं बात करते। आपके यहाँ 20 मिलियन लैंडलेस पेजेंट है, जो के जिसको ना बड़ा फ्यूडल अपनी जमीन पे बैठने देता है और ना ही फिर वो किधर जाए, वो रियासती जमीन पे जाके बैठता है। वो आप अलॉट कर देते हैं कुछ फौजियों को, कुछ सिविल ब्यूरोक्रेट्स को, कुछ इन फाउंडेशंस को। अब तो जब से एग्रीकल्चर में फौज ने कदम रखा है तो अब तो वो भी और भी मुश्किल हो जाएगी। लोग डिमांड अपनी किधर करें जी? देखे ना, ये तो अब नई चीज आई है टेक्नोलॉजी। आप बैठ के यूट्यूब पे प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारे मोस्टली जो मीडिया है हमारा, बड़े बड़े हमारे जुगादरी एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, कौन जाता है फील्ड में? कौन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता है? खबरें दी जाती हैं, खबरें पैदा नहीं की जाती। और सो किसी में कोई किसी ने तकल्लुफ ही नहीं किया कि जाके जमीन और जो बेघर जो काश्तकार है उसकी तरफ भी देखे कि वो क्या रहा है, वो मसाइल कितने गंभीर हैं। चोलिस्तान में कोई जाकर देखे कि किस तरह से इंडिजिनस जो लोग हैं वहां के उनको रिप्लेस किया जा रहा है। बिल्कुल, देखे ना जी, आके सेटलमेंट्स की जाती हैं, जो कि एक असूल था कि चोलिस्तान की जमीन मिलेगी जो कि चोलिस्तानी है, जो वहां का रहने वाला है। अब वो नहीं होता, वो या बड़ा काश्तकार, बड़ा जमींदार उसको फायदा उठाता है। और इसमें अक्रॉस द बोर्ड ये जो मुख्तलिफ ताकतवर लोग हैं, फौज जाहिर है उसमें आगे है, बट जो लोकल वडेरा है। अच्छा, फिर मेरा एक आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो आप फौजियों को जमीनें देते हैं, कोई जेहलम का बंदा है। अब जेहलम में तो वैसे ही काश्त कम होती है। अब उसको आपने उठा के कश्मीर से को बंदा है, आपने उसको बहावलपुर में, डीजी खान में या सिंध में जमीन दे दी। मोस्टली वो काश्त नहीं करता, इतनी दूर जाके क्या क्या करे? उसको जबान नहीं आती, उसका माशरत जो है वो उससे मुख्तलिफ है। वो वहाँ लोकल को बेच के चला जाता है, वो खरीदने वाला भी बड़ा जिम्मेदार होता है। तो ये जो मिलिट्री लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये खुद ये एक ऐसा साइकिल है जो कि फ्यूडलिज्म को तकवीत देता है, जागीरदारी को। तो इससे किस तरह के मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं वहां पे जो लोकल के लिए? देखिए जी, जो जो मसाइल हैं वो ये है कि वो जो ताकत की डिस्ट्रीब्यूशन है, ताकत की, रिसोर्सेज की, जिसे स्टेट कंट्रोल करती है, एक है जमीन और एक है पानी। तो जनरल मुशर्रफ की, तो मैंने खुद आंखों से देखा है, जनरल मुशर्रफ और एक जनरल जैदी उनके साथ थे, उनकी जमीनों पे पानी पहुंचाने के लिए, एयर चीफ, नेवी चीफ, उनकी जमीनों तक पानी पहुंचाने के लिए तो खाले भी खुद जाते हैं। जो आम बंदा चाह रहा है कि वहां हो, उधर नहीं होता। फिर DHA जहां जमीन एक्वायर करती है वो फ्रीज कर देती है कि कोई और वहां ले नहीं सकता। भावलपुर में DHA बन रहा है, वहां भी ये मसाइल हैं। फिर DHA जब बनता है, बाग कटते हैं। सो ये
बड़ी हाउसिंग स्कीम्स जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं उसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप कैपिटल जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी जो है उसको, रूरल पॉवर्टी जो है वो आप उसमें, यानी कि गही इलाकों की गुर्बत, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये अगला नेक्स्ट आपसे ये चीज़ पूछने की कोशिश कर रहा था कि जिस तरह से इमरान खान का आपने जिक्र किया कि इन्होंने इमरान खान को खुद पावर में लाए और अब वो इन्हीं के गले पड़ गया, दैट्स ट्रू, लेकिन अगर हम उसको इस तरह से देखने चाहें कि क्या विद जिस तरह से आजकल के हालात हैं, इलेक्शंस जैसे हो रहे हैं, डू यू थिंक के जो ये थ्रेट इमरान है इस और उसकी जो पॉपुलैरिटी है, would they be able to deal with that threat? अगर जी इस तरह से तो नहीं जिस तरह ये करना चाह रहे हैं, ये मसला ये है कि लोग गुस्से में हैं। आज ही मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी तो हमारी ये बहस चल रही थी, आप इमरान को मौका दे दें, यही लोग आपके साथ हो जाएंगे। सो जनरल कियानी ने जैसे किया था ना जी, जनरल कियानी ने ये किया था कि उन्होंने, हालांकि चौधरी जो थे गुजरात के, वो चीखते रहे कि जी ये फेयर इलेक्शन नहीं है, लेकिन बात ये है कि 2008 के, लेकिन ये है कि रिलेटिवली बेहतर इलेक्शन हुए वो। अच्छा मैम, आप बता रही थी इमरान खान को कैसे इन्हें डील करना चाहिए। देखें जी, मेरे ख्याल में इमरान को जिस वक्त इन्होंने निकाला, इनको निकालना नहीं चाहिए था। इमरान अप्रैल 2022 में तक इमरान का ये हालात थे कि उनके अपने पार्टी के इलेक्टेबल्स ढूंढते फिर रहे थे कि अब अगली पार्टी कौन सी ज्वाइन करे, और जिस तरह उन्होंने, उनकी टीम ने इकोनॉमी को हैंडल किया तो लोगों में नाराजगी थी, खुद केपी में लोग बात करते थे कि यार ये क्या है, ये काम नहीं कर सकता, आप उसको खत्म करने देते, अब आपने उसको अपने सर पे सवार कर लिया, अब लोग गुस्से में हैं क्योंकि आपने उसको निकाला है। अगर जनरल कियानी की तरह जनरल आसिम मुनीर भी कहें कि हाँ जी मैं पीछे होता हूँ, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे वगैरह वगैरह, तो ये फिर वही लोग जो नाराज हैं ये आपसे और इसको मौका दें कि इलेक्शन लड़ने का, तो ये फिर से आपके साथ हो जाएंगे। तो जनरल कियानी ने किया था कि 2008 में जो एक रिलेटिवली फ्री इलेक्शन, फ्री एंड फेयर कराए थे, तो उसमें जो बहुत फौज की जो रेपुटेशन थी वो बेहतर हुई थी। इस वक्त दो मसाइल आ रहे हैं मेरे ख्याल में, वो ये है कि बहुत सारे लोगों के दिल में इमरान की नफरत से ज़्यादा कुछ थकावट है आपके जो बाकी सियासतदान हैं उनसे, स्पेशली पंजाब में, मैं सिंध की बात नहीं कर रही, पंजाब में तो बिल्कुल थकावट है। तो उसका इजहार जो है वो होता है कि भाई एक जो थर्ड ऑप्शन का नैरेटिव फौज ने क्रिएट किया ना, वो मंजन बिक गया, लोगों ने खरीदा हुआ है, घर में स्टोर किया हुआ है। अब उसको जब तक वो जाया नहीं होगा, जब तक लोग खुद नहीं देखेंगे, जब तक ये आएगा नहीं, और वो मैंने अभी एक लिखा था कि जो पॉपुलिस्ट होता है ना, जो कि इमरान खान है, पॉपुलिस्ट को पॉपुलिस्ट ही खत्म कर सकता है। वो जब लोग देखते हैं, जब वो अपने आप को एक्सपोज करेगा और लोग देखेंगे कि भाई ये सिस्टम तो इससे चल नहीं पाया, तो लोग खुद परेशान होंगे, तंग होंगे और उसे छोड़ेंगे। ज़बरदस्ती आप उसको खींच के करेंगे, क्योंकि आज के दिन में आप बेशक जितने करप्शन के केसेस, तोशाखाना, साइफर, स्कैंडल्स सब कर लें, फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी तो पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ रही है इस चीज से। तो ये जो टिपिकल तरीका है ना, आप उनको सजा भी दे दें उसके बावजूद फर्क कोई नहीं पड़ेगा,
बड़ा हीरो बन जाएगा। अच्छा, ये जो जिस तरह से ग्रास रूट मूवमेंट्स पाकिस्तान में, पश्तून तहफ़ुज़ मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा बलूचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, डू यू थिंक दैट ये पाकिस्तान की अब, क्योंकि बिकॉज वी हैव 60% जो है हमारी यूथ है, और ये जो, लेकिन ये मूवमेंट्स हैं, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तो मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की मूवमेंट्स हैं जो कि, और पढ़े लिखे नौजवान हैं इन चीजों में। डू यू थिंक दैट दिस कैन बी अ थ्रेट टू द एलीट ऑफ पाकिस्तान? देखिए, एलीट वेलीट के लिए तो थ्रेट नहीं होंगी, क्योंकि केपी में देखें, मैं समझती हूँ कि पीटीएम जो है उसने बड़ा काम किया है, और लोगों की जो एक एंजाइटी है तालिबान और रियासत का जो इस्तेमाल है उसके खिलाफ, उसको वो बाहर ले आए हैं। मैं इसको, जब आप इसको कहते हैं ना जी मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, तो थोड़ी सी आप ज्यादती करते हैं, उसमें आम लोग भी शामिल हैं। मसलन जाहिर है जो बात करने वाला है, जो बिल्कुल गरीब है, उस बेचारे के पास तो सर उठाने की फुर्सत नहीं है, लेकिन ये नहीं कि वो सोचता नहीं है। मतलब ये कि आप साउथ पंजाब, जो कि आपका आपका और मेरा, हम दोनों का खत्ता है, तो अभी जैसे महारंग, डॉक्टर महारंग बलोच आई, तौसा रुकी, जितने लोग थे उनके 99% यूथ थी, और गरीब आवाम भी था, और वो कहते थे कि वो लोग महारंग बलोच की भी सपोर्ट करते थे, और वो कहते थे जी हम खान को वोट देंगे। आपका आज के दिन में साउथ पंजाब में आपका गरीब आदमी जो है वो उसको वोट देने को तैयार है। सो मिडिल क्लास की जो क्लासिफिकेशन है ना, थोड़ी सी ट्रिकी है हमारी गुफ्तगू में। हम मिडिल क्लास का करके एक ठप्पा लगा के, स्टैंप लगाई, इसको परे करो जी। गरीब आदमी जो है वो भी देख रहा है कि इस रियासत क्या ज्यादती करती है, और वो समझता है ना कि उसको घर में रोटी तो किसी ने भी नहीं देनी, वो समझता है वो जो ज्यादतियां भी उसी की तरह उसी उसी तरीके से होनी है, लेकिन वो समझता है कि रियासत का जो एक रुख है वो सही रुख नहीं है। सो जो यूथ जो है डेफिनेटली, और यूथ में लो क्लास भी है, लो मिडिल क्लास भी है, एक्सटेंडेड जिसे मिडिल क्लास कहते हैं ना वो भी शामिल है, अपर क्लास के भी हैं, क्योंकि खदीजा शाह जो है वो कहाँ से मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास है, वो तो एलीट क्लास है ना, तो वो भी थी। तो अक्रॉस द बोर्ड एक पॉपुलैरिटी उसने बिल्ड की है, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि शायद भुट्टो साहब की पॉपुलिज्म से ज्यादा तेज मसाला है इमरान खान की पॉपुलिज्म पे, क्योंकि भुट्टो साहब को तो पंजाब की मिडिल क्लास ने माफ नहीं किया, इसके साथ तो लगे हुए हैं। फिर ये कि भुट्टो साहब को तो जुडिशरी ने जितना बुरा सलूक उनके साथ किया, इसके साथ तो जजेस भी कुछ मिले हुए हैं, फौज के अंदर इसकी अभी भी सपोर्ट बेस है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो जो पॉपुलिज्म है वो कुछ एनवायरनमेंट का फैक्टर होता है। मतलब ये कि लोग, ये देखे ना 9/11 के बाद की ये जनरेशन है, पाकिस्तान राइट नाउ इज अ यंग स्टेट, जिन्होंने इमरान खान को बनते देखा और फिर उसको बिगड़ते देखा, और वो नाराज हैं, वो चाह रहे हैं कि ये रियासत जो है वो एक बेहतर उसकी शक्ल हो, एक 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 यू नो एक अपने घर को ठीक करने की ख्वाहिश है। मैं ये नहीं कह रही कि ये ठीक करना इमरान खान से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये है कि लोगों की नजर में एक नॉर्मल स्टेट हो ना हमारी, जिसमें इलेक्शन हो, लोग इलेक्ट हो, फिर जाएं, ये जो कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी है जो कि मुल्क को दबा के खींच के रखती है, लोग नहीं चाहते ना कि वो हो। अच्छा, ये जिस तरह से डिजिटल मीडिया है आज के दौर में, और
बहुत एक्सेस, इंफॉर्मेशन की एक्सेस बहुत सारे लोगों के पास, कोई भी इवेंट होता है इस्लामाबाद में तो वो बलोचिस्तान के गवादर से लेकर जनूबी पंजाब से और गिलगित बल्तिस्तान तक वो चीज़ चली जाती है। तो इसने भी जो आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन के फ्लो ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आम आदमी तक पहुंचा दी हैं। तो वो आप समझती हैं कि, और उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो हेट है, वो नफरत, एंगर, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। आज कुछ भी देखें आप सोशल मीडिया पर देखें, और लोग बड़े खुलेआम बोलते हैं, डिस्पाइट ये उन पर रिस्ट्रेंट भी हैं, लोग उठाए जाते हैं और उनको बैन किया जाता है। तो इसके बावजूद भी ये जो आजकल की जिस तरह से जनरेशन बन रही है या हो रही है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है? देखें जी, नाराजगी है, मैंने पहले अर्ज किया नाराजगी है, लेकिन ये कोई जिसे कहते हैं ना कि अभी डीप सेट एक नफरत, वो भी नहीं है। रियासत जो है और रियासती इदारे अभी भी नेशनल सिक्योरिटी का चूर्ण बेच रहे हैं। जो मई 9 का सारा चक्कर है उसमें यही बार बार कह रहे हैं कि जी देखिए न्यूक्लियर वेपन स्टेट, आपका वजीरे इत्तलात केयर टेकर जाके उसने एक्टिंग की ISPR की डॉक्यूमेंट्री में, जिसमें उसने यही चूर्ण बेचा कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है वो किस तरह उस पे यूं उसके घरों पे, फौज के घरों पे हमले हो सकते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी का चूर्ण जो है वो बेच रहे हैं। मसला ये है कि अगर फौज अकलमंदी करे और इसको हैंडल बेहतर तरीके से करे तो ये नफरत आगे ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। वो इदारे के खिलाफ एक पक्की नफरत जो है वो नहीं बनेगी। इस वक्त जो गुस्सा है उसमें हालात ये हैं कि एक फासला आया है, और जितना आप जोर जबरदस्ती मारपीट करेंगे वो गुस्सा नफरत में फिर बदलेगा। और फिर हमने देखा कि लातिनी अमेरिका में, जनूबी अमेरिका में जब ये फासले बढ़ जाते हैं, जब ये गुस्सा नफरत में तब्दील होता है, तो फिर जो तनाव होता है, जो फिर मुकाबला होता है रियासत का और समाज का, उसमें फिर आखिर में फौज को पुशबैक, पीछे हटना पड़ता है। अभी हम वहां से दूर खड़े हैं, अभी लोग उठ के मार खाने को तैयार नहीं है। इलेक्शन में जाके वोट डालेंगे, मार खाने को यूं तैयार नहीं है। कम कम केसेस हैं। और जो फर्क एक पड़ा है, मैं समझती हूँ कि भुट्टो साहब के और इस PTI के इस दौर में, देखें भुट्टो साहब के दौर में पीपुल्स पार्टी के वर्कर ने बड़ी मार खाई है, कोड़े पुड़ लगे हैं, जेलें हुई हैं। मतलब के जो PTI वाले रोते हैं उनको अंदाजा नहीं है कि पीपुल्स पार्टी के वर्कर ने कितनी मार खाई। यहाँ उस हिसाब से कैद हो रहे हैं लोग, बंद हैं, लेकिन वो वाली मारें पढ़ नहीं रही, लोग गायब हो रहे हैं। लेकिन इसको आगे जो लेके चलना है, एक मैं समझती हूँ कि एक जो लाइन ड्रॉ की गई है वो ये की गई है कि जैसे जियाउल हक के जमाने में जी मारेंगे, सिंध सिंध में लोगों ने बड़ी मार खाई है। अब जो है वो ये, अब ये हमें नजर इसलिए आ रहा है ज्यादा क्योंकि ये पंजाब में हो रहा है, तो ज्यादा पंजाब में हो रहा है तो इसलिए नजर आ रहा है। बट ने लाइन ड्रॉ कर दी है फौज ने कि भाई ये करोगे, बात नहीं मानोगे तो हम उठाए उठाएंगे। हाल में इदारा जो है अपने लिए चैलेंजेस ज्यादा कर रहा है क्योंकि जो बाकी चीजें हैं जियोपॉलिटिकल और जो बाकी और मसाइल हैं जो मुल्क को दरपेश हैं, उनसे उनमें जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, जब आपको के साथ अवाम की नेक ख्वाहिशात ना हो तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से, पाकिस्तान वॉज
इम्पॉर्टेंट फॉर द यूएस स्ट्रेटेजिकली, जिस तरह से वो अफगानिस्तान में थे अमेरिकन्स और उन्होंने इवैक्यूएट किया पाकिस्तान की, वो इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई। लेकिन जो हम चाइनीज़ के हम पास चले गए उस तरह से, तो हम पहले भी चले जाते थे जब यूएस हमारे साथ साया शफकत हटाता था। तो आजकल का जो पाकिस्तान है, हाउ मच इज इट रेलेवेंट फॉर द यूएस? देखिए जी, पाकिस्तान आज के दिन में ना अमेरिका के लिए रेलेवेंट है ना चाइना के लिए। ये हमारा ख्याल है कि हम रेलेवेंट हैं, ये हम ही चूरन अपने आप को बेचते हैं कि जी हम तो देखें हमारी लोकेशन ऐसी है, ज्योग्राफिकली बड़ी इम्पोर्टेंस है सारी दुनिया के लिए। हर मुल्क जो है ना ज्योग्राफिकली रेलेवेंट होता है, हर मुल्क। हमके अफगानिस्तान कम रेलेवेंट है, अफगानिस्तान तो कनेक्टर है ना साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के दरमियान। आपके अपने अंदर इतनी स्टेबिलिटी, आप किसी के लिए क्या रेलेवेंट होंगे? चाइना ने आपको देख लिया ना, चाइनीज आए 26 बिलियन अरब डॉलर लगाए, फिर उन्हें देखा कि आपकी तो औकात ही नहीं है, आप चाइना चाइना करते हैं, फिर जाके अमेरिका से भी हाथ मिलाते हैं, अमेरिका को कहते हैं देखिए हम चाइना चले जाएंगे आ जाओ हमारे साथ। अमेरिका के साथ आपने जो गेम की, आपने 50 की दिहाई में, 60 की दिहाई में, 80 की दिहाई में अफगानिस्तान की बेसिस पे केबल बोते पे आपने, और सोवियत यूनियन, पुराना सोवियत यूनियन अब रशिया, कम्युनिज्म के चक्कर में आपने उनके साथ किया, चाइना के साथ भी आपने रखा। लेकिन फिर उसके बाद देखें, चाइना इस वक्त समझता है कि आप की अपनी मजबूरी या जो कुछ भी कहें, आप में कैपेसिटी नहीं है एक साइड पे खेलने की। सो रेलेवेंस शेलेवेंस वाली बात नहीं है, बात यह कि जाहिर है इतना बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी है तो दुनिया एंगेज करती है। आप बिल्कुल रेलेवेंट हैं अमेरिका के लिए, अमेरिका क्यों आपसे बात नहीं करेगा? देखिए वो नहीं चाहेंगे कि आपको उन्होंने 40 साल से ज्यादा से पाला है आपकी फौज को, तो वो नहीं चाहेंगे कि आप जाके भाग के उनके जो राइवल है उसकी गोद में चढ़ जाए। तो वो आपसे एंगेज कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, लेकिन उनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अभी बातें फिर से शुरू हुई हैं कुछ के भाई अमेरिका में शुरू हुई है कि जी अमेरिका को री एंगेज करना चाहिए अफगानिस्तान के साथ। आपके भी आर्मी चीफ गए थे तो वो भी वादे करके आए कि जी आइए देखें अफगानिस्तान का मसले हैं। तो अगर फर्ज करें री एंगेज करता है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि करेगा, उसकी वजह ये है कि इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं, इलेक्शन ईयर है अमेरिका में, एक तीसरी जंग या एक तीसरा फ्रंट वो शायद खोलना पसंद ना करें, पैसे भी नहीं है। तो अगर अब रेलेवेंट हो भी जाए ना, तो आपको देने के लिए अब आपको कराया नहीं आने वाला, मसला ये। तो अगर वो कराया नहीं आएगा तो वो फिर तो बहुत सारे हमारे लिए मसले हैं, क्योंकि हम तो सारे का सारा चल ही उसी पैसे से रहे होते हैं जो एड्स हैं। जैसे अब हम लोन पे अभी चल रहे हैं, तो हम कैसे अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर रन कर सकते हैं? देखें जी, आप अपनी कॉस्ट कम करें ना, आपने इतनी बड़ी हाथी आपने पाले हुए हैं, आपका PIA है, आपके एसेट रिडक्शन से पहले आप कॉस्ट कटिंग तो करके देखें ना। आप तो कॉस्ट कटिंग नहीं करते, आपकी फौज में मेरी अपनी असेसमेंट पुरानी एक स्टडी है कि 20-25% आपके यहाँ वेस्टेज है, आप उन वेस्टेजेस को तो कम करें ना। आप जो आपकी औकात है आप उसके मुताबिक तो रह के देखें ना। आपने 2 बंदे घर में, आपने 11 बेडरूम का घर क्यों रखना है? आपके यहाँ जो रिसोर्सेज की वेस्टेज है आपके हर इदारे में है। फौज में बड़ा वो हिस्सा एक लेता है बजट का, उसमें और भी ज्यादा है, तो सब इदारे
जो है उनको कॉस्ट कटिंग की सॉरी जरूरत है, वो आप करते नहीं है। ये कौन करेगा मैम, जब आप ये देखें कि पाकिस्तान में तो आप ये कह रही हैं कि कम करें, लेकिन ना जो एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इस चीज को कम करना चाहती है, और सिविलियंस के पास तो वैसे कुछ नहीं है। सो हाउ वुड दे मैनेज इट एंड हु वुड टेक दिस चीज के उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसकी काम करना है? वैसे मैं समझती हूँ कि आज के दिन में ये गुफ्तगू करना तो बिल्कुल ही बेकार है, इसलिए कि वो जो एक ताबनाक जो है ना फ्यूचर मुस्तकबिल, छोड़ दें उसकी बात करना आप और मैं क्योंकि जब हमारी औकात ही नहीं है ठीक करने की, नहीं छः छः रोटियां खा सकते ना, तो एक रोटी खा के गुजारा करें। बेचारे गरीब आदमी को ये एक रोटी क्यों खिलवा रहे हैं, जहां फैट है वहां हम क्यों नहीं करते कम? आपके पास देखें, आप इस वक्त एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जब पाकिस्तान बहुत सिक्योर है, कोई जंग वंग का खतरा नहीं है। आपको अगर खतरा है तो आपकी जो प्लेबैक और जो पुशबैक है ना आपकी पुरानी पॉलिसीज का, जो आपने तालिबान को पाला पोसा, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के मसले हैं, आपकी गवर्नेंस के इश्यूज हैं। सो आपका पाकिस्तान को बाहर से कोई खतरा नहीं है, हिंदुस्तान के लिए अब रेलेवेंट नहीं है। मतलब हिंदुस्तान दबाव रखेगा लेकिन अब रेलेवेंट नहीं है, आपको फता फुता करके उनको कुछ मिलेगा नहीं, ना वो चाह रहे हैं। देखो वो नारे लगाते रहते हैं गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, लेकिन उनमें भी वो कैपेसिटी नहीं है कि आपको, ना आप में है कि कश्मीर ले लें, ना उनमें है कि आपका कश्मीर ले लें। सिक्योर अपोजिशन में है आप, कोई यूं खतरा नहीं है। आप अपने औकात, अपने हालात, इस वक्त आपके पास वो विंडो है। मजे की बात यह है कि अब तो आप जो किराए कि आप टट्टू थे, आप वो काम भी आपका बंद हो गया है ना। चाइना, चाइना हिंदुस्तान से अपनी जंग खुद ही करेगा और खुद ही लड़ेगा, वो आपको लेके नहीं साथ चलेगा, ना ही उन्होंने आपको कभी इनकरेज किया। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि कारगिल में जब आपने विड्रॉ किया था अमेरिका के कहने पे, तो उससे पहले सारी बारात जो थी जिसमें आर्मी चीफ भी था, नेवल चीफ, एयर चीफ, प्राइम मिनिस्टर, पहले चाइना गए थे। और मुझे याद है कि एयर चीफ मार्शल पी क्यू मैदी से मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा भाई मैं गया, मैंने चाइनीज पीएलए एयर चीफ को कहा कि भाई मुझे ये जहाज, वो जहाज, ये चीजें, ये बंदूक, ये मिसाइल चाहिए। तो उसने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, जो पसंद हो ले लेना, लेकिन हमारे लीडर पहले एग्री करें। सो उन्होंने कहा कि सिग्नल था कि वो देने को तैयार नहीं है, और हमें जो वहां से पैगाम मिला था वो ये था कि भाई ये बंद करो, ये विड्रॉ करो, ये जो तमाशा तुमने शुरू किया। चाइना नहीं चाहेगा कि आप उसकी जंग लड़ें या कोई खामखा, क्योंकि एक इंडिया से बिल्कुल चाइना का कंपटीशन है, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि आप जो है ना मुफ्त में उसके कंधे पे चढ़ के अपने जो है वो हिसाब बराबर करें। तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। आप जो 65 की हम याद करते हैं ना, चाइना की बात, कि चाइना ने सारे दरवाजे खोल दिए, वेपन्स दिए, वो तब की बात थी। 62 में उनकी और इंडिया की जंग हुई थी, 65 में उन्होंने आपको मदद की। उसके बाद से वो कश्मीर पे भी वो वाली कोई ऐसी पोजीशन नहीं ले रहे। वो कभी उन्होंने आके इंडिया को नहीं कहा भाई इस बंदे के बच्चे बन जाओ, पाकिस्तान इसको कुछ ना करो, वो अपने रिलेशंस को चलाते हैं। मेरा ये सवाल है कि डू यू थिंक के स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल वुड सॉल्व आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? देखिए जी, आप चाहे आप स्पेशल इन्वेस्टमेंट यू नो फैसिलिटेशन काउंसिल
को बिठाएं या किसी और इदारे से, प्लानिंग डिवीजन से या किसी और इदारे से ये काम करवा दें। बेसिकली SIFC सौदा बेच रही है, पब्लिक पब्लिक एसेट्स को की रिडक्शन कर रही है। ये बिल्कुल वैसे है, लेकिन हमारा वो वाला हाल है कि वो जैसे जवारी या नशा ही नहीं होता, बीवी के घर का जेवर भी बेच दे, फर्नीचर घर का बेच दे, हमारी वो हालत हुई है। आप एसेट्स को रिड्यूस करेंगे, पैसे आएंगे, फिर आप पास बेचने के लिए एसेट्स भी नहीं होंगे आपके यहाँ। जब तक प्राइवेट सेक्टर, देखें आपके यहाँ सबसे बड़ा मसला, बहुत सारे मसाइल है ना, पर सबसे बड़ा मसला आपके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को जन्म देती है। जो रास्ता लंबा हो ए से जी पॉइंट पहुंचने के लिए, जिस रास्ते से गुजरना है, कई दफा शॉर्टकट्स आपको काम नहीं देते, आप डूब जाते हैं। बेच दें आपके एसेट्स, बेच दें। आपने देखें, आपने जो तमाशा करना शुरू किया है, आपने UAE को ईस्ट वॉफ एंड वेस्ट वॉफ KPT का, कराची पोर्ट ट्रस्ट का, वो आपने उनको दे दिए, ठीक है, लीज कर दिए। जरा पता करके आए कि कितने पैसों पे। वो जो कहते हैं ना पीनट्स, आपने तो पीनट्स से भी नीचे आपने चूने के भाव आपने वो दिया है। आप के हाँ सिस्टम ही प्रॉपर इन प्लेस नहीं है। देखें, आप माजरत के साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो खुद स्टेक होल्डर्स हैं। आप एसेट्स बेचेंगे, किसको बेचेंगे, वो प्रोसेस क्या है, हमारे यहाँ ये पहले भी तमाशा हो चुका है। मुस्लिम कमर्शियल बैंक जो था, MCB बैंक, वो बिका था, फिर शोर मचा था। सो अकाउंटेबिलिटी के आपके पास इन इशू हैं, आपके पास फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के इश्यूज हैं। सबसे बड़ा आपके यहाँ एक इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद एक मसला है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं थोक बजा के कह रही हूँ कि आपके यहाँ कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं है। सब झूठ बोलते हैं जो कहते हैं हाँ जी हमने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है। इंफॉर्मेशन लीक होती है, दी जाती है, लिफाफे इंफॉर्मेशन के पकड़ाए जाते हैं, फिर चीज बाहर आती है, जो फीड की जाती है वही बोलते हैं। क्योंकि, और उसकी वजह ये है, वेरी सिंपल, आपके यहाँ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसकी कोई बात नहीं करता। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन होगी आप एक्सेस कर सकें। मुझे फर्ज करें, और चलें जी आप कहेंगे कि जी ये नहीं, ये अमेरिका जैसे मुल्कों में हो सकता है, भाई आप करेंगे तो आपके यहाँ होगा ना। एज अ टैक्स पेयर मैं क्यों एक्सेस इंफॉर्मेशन नहीं कर सकती? मैं तो DC ऑफिस का बिल नहीं ले सकती, बाकी चीजें तो आप छोड़ दें। अपनी कोर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करके आप बाकी आप इंफॉर्मेशन वो तो अवेलेबल करें ना, पता तो चले कि कैसे क्या आप एसेट्स। तो आप SIFC लंबा जवाब हो गया, सॉरी। मैं देखें, बात ये है कि SIFC बेच देगी, जो लोगों को एतमाद है ना कि जी वापस। देखें मजे की बात, आप ये देखें कि वो तमाम लोग जिसमें जहांगीर तरीन साहब भी शामिल हैं, वो तमाम बड़े बड़े लोग जिन्होंने बैठ के SIFC का प्लान बना के दिया, बताया कि जी ये आप एसेट रिडक्शन करें, पैसे आएंगे, प्राइवेट सेक्टर को लेके आए, वो खुद इस मुल्क में एक पॉइंट से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वो आए ना, वो एग्रीकल्चर का के जी जो फौज है वो यूं करे, एग्रीकल्चर में जमीनों को सीधा करे, फिर वो कॉर्पोरेट सेक्टर को दे, वो खुद इस प्रोसेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। सो प्राइवेट सेक्टर आपके यहाँ, फिर एक और इशू भी है, आपके यहाँ इंस्टीट्यूशंस जो है वो हर कोई अपनी अपनी दुकान लगाए बैठा है, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट किस बलबूते पे होगी? के दो, सिंपली दो चीजें। पहली बात तो ये है कि जो इन्वेस्ट करने आएगा उसको हो कि जी वो रिपेट्रिएट अपना प्रॉफिट बाहर लेके जा सकता है।
आपके यहाँ तो काउंटर प्रोडक्टिव है ना, आपके यहाँ कैसे होगा, डॉलर आपका फ्लो इनफ्लो नहीं होगा, आपका आउटफ्लो होगा। मतलब अगर मैं बाहर से बैठी हुई कंपनी एक्स मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करती हूँ, तो मैं मुझे प्रॉफिट चाहिए यार। मैं कहूंगी कि अच्छा जी अब मेरा इतना प्रॉफिट है मुझे निकालने दो, आपकी जुडिशरी खड़ी हो जाएगी, आपके अपने मसाइल होंगे, आपके यहाँ पैसा बाहर नहीं जा सकता बजाय सिवाय चोरी के। सो आपके यहाँ वो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि खुद इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर कैसर बंगाली, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो आप लगा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया यूएई से इन्वेस्टमेंट आएगी, वो इन्वेस्टमेंट एक पॉइंट पे आएगी लेकिन उसके बाद आउटफ्लो होगा डॉलर्स का, वो लेके जाएंगे ना बाहर, वो आपकी हाँ, प्रॉफिट मोहब्बत तो जाएगा, में। मैं बाहर लेके जाना चाहता हूँ। अगर कोई बाहर से, फॉर एग्जांपल यूएस का इन्वेस्टर है, तो वो कहेगा मैं तो प्रॉफिट यूएस लेके जाना चाहता हूँ। हाँ तो उसके लिए आप में इतनी दमखम है आपके। जो मजे की बात है, मैं कभी एक पेपर पढ़ रही थी तो किसी ने लिखा हुआ था कि जी आर्मी चीफ साहब जो है वो बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को मिडिल पावर। यार हमारी औकात नहीं मिडिल पावर की, हमारी इकोनॉमी इस वक्त हमारा अपना बोझ नहीं उठा सकती है, मिडिल पावर कहाँ से बनेंगी। तो अच्छा, इस तरह SIFC से फिर इज अ लॉट ऑफ टॉक। लेकिन ये भी तो देखें कि इन्होंने जो है वो बॉर्डर पे स्मगलिंग, हुंडी, इन चीजों को तो उन्होंने कहा है कि हमने रोका है, जिसकी वजह से देखें अब डॉलर की प्राइस तो स्टेबल हो गई है। देखें जी डॉलर को खरीद नहीं रहा कोई, उसकी आपने, और माजरत के साथ स्मगलिंग की तो आपके ही लोग किया करते थे ना। स्मगलिंग बॉर्डर पे कौन बैठा होता है, मैं तो नहीं बैठी होती, आप बैठे होते हैं वहां, तो FC बैठी होती है ना। सो आपने किसको रोका, टेम्परेरली, लेकिन ये आउटफ्लो तो होगा ही होगा। आप एक थोड़ा सा बचा के अपनी थोड़ी सी चादर, जो छोटी चादर है ना, ऊपर से करें तो सर नंगा, नीचे से करें तो टांगे नंगी, तो मसला है कि थोड़ा सा अपने आप को कवर करके आप बैठे में, लेकिन आउटफ्लो तो आपका होगा इन अ नॉर्मल बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड जो प्राइवेट सेक्टर वाला है बाहर का, वो अश्योरेंसेस चाहेगा कि पैसे की हो। अब जैसे सऊदी आरामको है, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है लेकिन कोई भी बढ़ के इस वक्त नहीं कर रहा। फिर दूसरी बात यह है कि जो गाजा में सारा हो रहा है उसकी वजह से हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, कोई पाकिस्तान की जो के मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान के, और लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान के अपने पैदा करता है। सो पाकिस्तान उसको तो ठीक करे ना, क्योंकि आपके टैक्स नहीं, आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो टैक्स नहीं देते, का आपकी जो बेस है टैक्स की वो बढ़ नहीं रही, क्योंकि आप टैक्स की तादाद, क्योंकि इस वक्त टैक्स कलेक्शन आपकी बांग्लादेश के मुकाबले की है। यार नहीं है कि आपकी टैक्स कलेक्शन ठीक नहीं है, मुझसे ये कि आपकी टैक्स बेस कम है ना, लोग दे नहीं रहे, बड़े लोग जो है वो देते नहीं है। आपने इमरान खान साहब के दौर में आपने 10% आपने टैक्स की छूट दे दी फौजी फाउंडेशन और बाकी फाउंडेशंस को, तो आपके बड़े सोर्सेज, आपका एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, सो आपके बहुत सारे सोर्सेज बड़े जो हैं उन पे तो टैक्स लग नहीं रहा, सो टैक्स की बेस आपकी कम है। प्लस आपके यहाँ कॉस्ट टैक्स आप बढ़ा भी नहीं, मतलब ये कि आपकी कॉस्ट बड़ी हाई ऑफ रनिंग दी ऑपरेशन कॉल्ड पाकिस्तान। अच्छा मैम, एक एक लास्ट मेरा बढ़ गया है क्वेश्चन, जी वो इसी तरह से माइंड में आ गया है कि आपने, हम बात तो मैं यही करता रहता हूँ कि आप भी वही कह रही हैं कितने सालों से, पता नहीं कि इतने मसाइल हैं कि हल ही नहीं होने को हैं, अभी तक तो कोई नियर फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। इनमें से एक मसला जो है वो अब क्योंकि आप भी, आपका ताल्लुक भी वसेब से है, तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि उस इलाके को जो हमारा वसेब का एरिया है, वो उसको क्यों नहीं एक प्रोविंस बना रहे है? इनको क्या डर है, या इनको क्या उस चीज की फिक्र है कि उसको बनाने से क्या इनके लिए इश्यू है मेन?
देखिए जी, माजरत के साथ, हमारे बड़े अच्छे जो पंजाबी दोस्त हैं तो वो वसेब के प्रोविंस पे आके उनके दिल बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत ही छोटे। सो पंजाबियत को एक बड़ा, जिसे कहते हैं, धक्का लगता है वसेब के अलग करने पे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस तो यूनिट्स तो बनाने को तैयार हैं उस आइडिया के, लेकिन अलग से एक प्रोविंस, एक जबान या एक कल्चरल शनाख्त की बेसिस पे बनाने को तैयार बिल्कुल नहीं है। उसका तो ये मसला है। फिर जाहिर है रिसोर्सेज जो है, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, वो एक अपनी अपनी जगह है। फिर ये है कि आपके यहाँ एथनिक इम्बैलेंस इतना हो चुका है कि हर कोई इस आइडिया से डरता है। सिंध डरता है कि अगर पंजाब को, हालांकि पीपीपी ने सेनेट में साउथ पंजाब प्रोविंस की को अप्रूव करवाया जो रेजोल्यूशन, लेकिन उससे आगे बढ़ के उन्होंने भी नहीं किया, इसलिए कि अगर पंजाब को बांटेंगे तो फिर सिंध के बांटने की भी बात आएगी। सो हमारे यहाँ जो एथनिक डिफरेंसेस आ चुके हैं वो इतने डीप हैं कि वो अपनी एक अलग से पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से कोई भी इस जो छत्ते को छेड़ना नहीं चाहता। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बहुत सारी पॉलिटिक्स बेहतर हो जाएगी अगर आप पंजाब को तीन हिस्सों में बांट दें, सरायकी वसेब एक तरफ कर दें, सेंट्रल पंजाब और फिर नॉर्थ पंजाब में जो हज़ारा डिवीजन है उसको नॉर्थ पंजाब अलग कर दें। मेरे ख्याल में बहुत सारी, क्योंकि जो रैशनलाइज अगर आप पंजाब के साइज को करेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल जो हैं वो शायद उनमें कुछ आराम आए, खत्म नहीं होंगे। फिर हर कोई पंजाब को भी नहीं ब्लेम करेगा। देखिए फिर उसमें ये है कि रिसोर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है एक और तरीके से होगी, लेकिन अब मजे की बात यह है कि जो समझते हैं कि जी सरायकी वसेब अगर अलग से हो गया तो, कई दफा सरायकी वसेब वाले भी बड़ी पागलपन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जी 7 लाख नौकरियां हो जाएंगी। तो मैंने किसी एक से पूछा, मैंने कहा जी कैसे होंगी, उन्होंने कहा जी ये नॉर्थ तो सेंट्रल पंजाब वाले चले जाएंगे। मैंने कहा तुम लोगों का दिमाग खराब है, ये इसी वजह से कभी बनेगा नहीं। जो सही बात है जी वो करनी चाहिए। बात यह है कि वसेब में भी इतनी सेटलमेंट हुई है, पंजाब की तरफ, सेंट्रल पंजाब से इतनी सेटलमेंट हुई है कि अब कोई प्योर वसेब तो ये भी नहीं रहा ना। सो अब हावलपुर देख लें, क्योंकि सारे चकूक जो हैं, जितनी सेटलमेंट हुई है आज के दिन में भावलपुर डिवीजन को तारिक बशीर चीमा चलाते हैं, कोई वसेब वाला वैसे भी तप्पड़ नहीं किसी में के करे। मसला यही है जी कि ये बहुत सारे, क्योंकि आपके यहाँ एथनिक डिवाइड का मसला है, आपके यहाँ सिविल मिलिट्री रिलेशन का मसला है, आपके यहाँ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का, जो 1947 से मसाइल है ना, एक कोई ऐसा मसला नहीं जिसमें आप कहें कि जी कमी आई हो, वैसे ही चल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि माजरत के साथ वो लोग कहते हैं कि जी लेट्स एंड एट अ हैप्पी नोट या पॉजिटिव नोट, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, रियलिटी की बात है। जितने हम मुख्तलिफ लेवल पे बिखरे हुए हैं ना, हमारे डीपन हुए मसाइल कम नहीं हुए। और हमने कोई कैपेसिटी भी नहीं दिखाई कि भाई हम ये चीजें ठीक कर सकते हैं। सियासत तो हम ठीक नहीं कर सकते, तो बाकी तो छोड़ ही देना। चले, बहुत शुक्रिया मैम, आई एम ऑनर्ड टॉकिंग टू यू, और बहुत बहुत अच्छा लगा। दो के मैंने कुछ पुराने आपके सवालात, वही जो जो पुराने जवाबात हैं
वो लेकिन मेमोरीज को जरूर रिफ्रेश करना चाहिए, जो हमने किया है वो हमारे सामने होना चाहिए। और आप जिस तरह से बात करती हैं, क्योंकि डिफरेंट बात करती हैं तभी लोग आपको सुनते हैं। तो इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। इंशाल्लाह फिर बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।